आया है जो एक महंत है उनके द्वारा। आप जानते हैं कि समस्तीपुर में जो मेडिकल कॉलेज खुला है वहाँ भी जो ज़मीन जो दिया गया उसमें भी काफ़ी इश्यू चल रहा था, लेकिन वो भी महंत द्वारा ही दिया गया था। और इसमें तो राज्य सरकार को कुछ नहीं करना, केवल NOC देना है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को इसकी परवाह नहीं है। हम महागठबंधन के लोगों ने आज मिल करके फैसला लिया है कि हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिल करके विनती करेंगे, ये जो कसाई जैसा व्यवहार जो सरकार कर रही है, जो कान में रुई डाली हुई है, मुंह में दही जमाई हुई है, इससे आमरण अनशन तोड़े और शरीर को ठीक करें, दुरुस्त हों और बड़ा आंदोलन हर एक मुद्दे को लेकर के महागठबंधन के लोग जो है साथ मिलकर के इस सरकार के लड़ने का काम करें और बिहार की जनता की आवाज़ को बुलंद करें। तो इसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया गया है और हमारे बीच आदरणीय हमारे अभिभावक शरद यादव जी, मांझी जी, अखिलेश सिंह जी, हमारे लेफ्ट के सभी सम्मानित नेतागण और RLSP के और VIP पार्टी के, क्योंकि मुकेश निमंत्रण है। तेजस्वी जी, आपके नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, उनका कहना है कि JDU और RJD के बीच कुछ अंतर चल रहा है, बेहतर नतीजे जल्द सुनने को मिलेंगे, क्या है सच्चाई है? इस पे तो हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया, बार बार इस पे बयान देने से कोई मतलब नहीं। पूरी पार्टी और हर एक कोई पुराने स्टैंड पे कायम है। ये सवाल और ये चर्चा हमारे दल में हो ही नहीं रहा, स्पष्ट चला जाता।